क्या लगा था हम नहीं आएंगे? हम आएंगे। कल मेरा वीडियो नहीं गया तो सबको लगा कि हम नहीं आएंगे, हम आ गए फिर उसी अंदाज में। दोस्तों एक आई है काली कलूटी, क्या बोले, वो भी एक महिला है इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो ये समझाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो सुधर जा, दर्पण भंडारी को टारगेट करना छोड़ दे, और अगर तुझे व्यूज ही कमाना है तो अच्छे से वीडियो बना और व्यूज कमा, अगर तुझे दर्पण भंडारी के नाम पर ही व्यूज लेना है तो, और नहीं तो सुधर जा, ठीक। अगर गाली गलौज करके उल्टा सीधा बोली, ऐसी भैसिया कुछ भी बोली ना, तो तू तेरा मैं क्या करूंगी ना, तुझे बाद में पता चलेगा, ठीक। तेरा औकात मैं जरूर दिखा दूंगी, जो पहले अपने शकल जाकर आईने में देख कि तू कैसी दिखती है, फिर बाद में दर्पण भंडारी को उल्टा सीधा बोलना, ठीक। तो समझ जा, अभी समझा रही हूँ। तो नमस्ते प्रणाम, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। कैसे आप लोग, उम्मीद अच्छे होंगे, जाएंगे स्वस्थ रहे, मस्त अपने कामों में व्यस्त रहे। दोस्तों एक लेडी सी है वो, अब ये नहीं बताएंगे, हमको पता है वो कहाँ की है, सब कुछ पता है, लेकिन हम यहाँ पे उसको प्रमोट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे प्रमोट करने नहीं आए उसको, वो समझाने आए हैं। जो गाली दे रही है दर्पण भंडारी को, तो होश हवास और दिमाग को दुरुस्त रख करके वीडियो बनाए, ठीक। नहीं तो ऐसा बजाएंगे ना, ऐसा बजाएंगे ना कि सोशल मीडिया पे नहीं रहोगी, चली जाओगी सीधे। अपना शकल जाके आईने में देख कि तू कैसी दिखती है, फिर दर्पण भंडारी को भैंसिया बोलना, समझ गई ना। काली कलोटी बैगन लूटी पता नहीं कैसी है तेरे, तुझको तो कोई पानी भी ना दे। अब इससे आगे नहीं बोलेंगे, समझा रहे हैं, सुधर जा। अब गाली गलौज नहीं करना दर्पण भंडारी को, नहीं तो फाड़ेंगे अच्छे से। दोस्तों इसका वीडियो मैं देख रही हूँ कितने दिन से, ये फर्स्ट ब्लॉग है मेरा इसके लिए, इसीलिए। और जिसके कहने पर तू टारगेट कर रही ना, उसको भी समझ आ गया कि मैं क्या चीज हूँ और दर्पण भंडारी क्या चीज है, तो अब तुझे लेकर आई है, तो तू भी सुधर जा, मैं तुझे भी समझाएंगे अच्छे से, ठीक। तो दोस्तों यही सब बातें हैं, मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूर कर दे हैं, तब मैं समझाने के लिए ये वीडियो लाई हूँ। गाली गलौज ना करें, अच्छे से वीडियो ही बनाना है, दर्पण भंडारी के नाम पे व्यूज ही कमाना है, तो अच्छे से कमाओ, गाली गलौज और उल्टा सीधा अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, समझाने के लिए मैं आई हूँ, ठीक। दोस्तों तो मैं, मेरा कल वीडियो नहीं आया था, कल मैं इंडिया गई थी, बहराइच गई थी, कुछ अपना ही पर्सनल ही काम था, इसीलिए दोस्तों तो कल मेरा वीडियो नहीं आया, इसके लिए सो सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आज भी मेरा वीडियो नहीं आया, कुछ मेरा तबीयत जो है गड़बड़ हो गया था, मेरा बीपी जो है डाउन हो गया था एकदम, मुझे होश हवास गुम हो गया था। अभी बज रहे हैं 7 बज गए हैं, अब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ये वीडियो कितने बजे जाएगा मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन जाएगा आज ही, ठीक। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा और प्यार दुलार दीजिएगा, और मुझे भी सपोर्ट करिए, क्योंकि हम भी आए हैं कुछ अरमान कुछ चाह ले करके YouTube पे, कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट करिए। और रही बात स्ट्राइक का, तो ऐसा नहीं है कि इधर के पक्ष का ही स्ट्राइक आ रहा है, दर्पण भंडारी का भी स्ट्राइक आया है, जो गोरखपुरिया भाभी की सपोर्टर है, पक्की सपोर्टर, तो उनके चैनल पे स्ट्राइक आया है। किसने स्ट्राइक दिया है ये मुझे भी नहीं पता है, ये बात उनके चैनल से ही आप लोग को पता चलेगा। तो जो बोल रहे हैं कि कुछ लोग की इधर हमारे पक्ष के लोग जो है स्ट्राइक आ रहा है, और गोरखपुरिया को जो सपोर्ट करता है उनके पे नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, आप लोग ऐसा मत सोचिए, स्ट्राइक दोनों तरफ आ रहा है, और कौन कर रहा है ऐसे मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत ही गलत है, किसी को स्ट्राइक ना दें कोई भी, और कोई भी बात है तो समझाने की कोशिश करें। यही सब बातें दोस्तों, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है तो हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, तो लेकिन जो हो रहा है स्ट्राइक के लिए, इसके लिए दुख भी है, और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। दोस्तों यही सब बात है, तो मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मुझे भी सपोर्ट करिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, जय श्री राम। और जाते जाते फिर एक बोल रही हूँ, जो दर्पण भंडारी को टारगेट कर रही है, तो सुधर जा बेटा, अच्छे से वीडियो बना, और दर्पण भंडारी को टारगेट करना छोड़ दे, और जो बोल रही है उल्टा सीधा, अपने जबान में थोड़ा लगाम दे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, बाय बाय।